होगा स्टेशनरी होगा। स्टेशन डायरी लाइए ना, यहाँ बैठे हुए हैं, स्टेशन डायरी लाइए, प्रेस वाले लोग भी हैं, देखेंगे ना आपका। स्टेशन डायरी प्रेस में नहीं होता है ना सर, स्टेशन डायरी तो प्रेस में नहीं होता। हम देखेंगे ना उसको स्टेशन डायरी, आप एंट्री किए कि नहीं, कोई कांड होता है उसका एंट्री थाना में होता है कि नहीं होता है? होता है सर। कहाँ है वो डायरी, स्टेशन डायरी रखा हुआ है? लाइए, यहाँ लाइए हमारे पास। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? कौन है मैनेजर यहाँ का, बुलाओ। नहीं अभी मैनेजर नहीं। कौन है यहाँ का थाना का मैनेजर? मैनेजर अभी नहीं है सर, कोई नहीं है। क्या कंस्ट्रक्शन है उसका स्टेशन डायरी का? तो बिहार में इन दिनों ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। ये बीजेपी के विधायक केवटी दरभंगा से हैं, मुरली मोहन झा, जो दरोगा की कुर्सी पर बैठ कर के दरोगा को ही हड़का रहे हैं क्योंकि इसने दबंगई दिखाई थी, कुछ युवकों को पीटा था और इसी का जो जवाब लेने के लिए ये यहाँ पहुँचे थे और उनसे स्टेशन डायरी की मांग कर रहे थे। स्टेशन डायरी यहाँ लाइए हमारे पास। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो बीजेपी के विधायक को दरोगा की कुर्सी पर बैठकर उन्हें हड़काना क्यों पड़ा ये भी अब आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये गुस्सा था विधायक का, वो इसलिए था क्योंकि कुछ युवक को इसने पीटा था और वो युवक इनके पास आया था और उसके बाद ये यहाँ गुस्से में आए और उन्होंने दरोगा को हड़काया, और ना ही हड़काया बल्कि सरेआम माफ़ी भी मंगवाई उस युवक के सामने। ये मारे हैं अचार को सिपाही मारा, इनका स्टेशन डायरी नहीं है। अब बताइए इंस्पेक्टर साहब क्या होना चाहिए, आप बताइए। देखते हैं सर, नहीं वो लड़का से गलती मांगी, आप लड़का से गलती मांगी, क्या है आप उसको मारे, गलती मांगी। तो जिस युवक को इस पुलिस वाले ने मारा उसके सामने सरेआम माफी मंगवा रहे हैं, सरेआम एक खाकी को बेइज्जत करवा रहे हैं। इसको लेकर के भी आलोचना हुई विधायक की कि आखिर उन्होंने ऐसा सुलूक क्यों किया, लेकिन बड़ा सवाल आखिर क्यों किया इसकी भी वजह जान लीजिए। और ये सरेआम एक वीडियो वायरल हुआ था इस दरोगा का जिसमें ये पिस्तौल ताने हुए दिखाई दे रहा है किस तरह से युवक को, देखिए आप। ठीक है बोलने का तमीज है तुमको, दारू पिए हुए है, दारू पिए हुए है, शासन कुछ नहीं, नियम कानून कुछ नहीं, नियम कानून बोलने का कोई तमीज नहीं, तमीज है ढंग नहीं, ढंग है तो बहुत बढ़िया खर्चा, तुमको बो बेटी का खर्चा कहाँ से जुटता रे? हम कमाते हैं, कहाँ से बो बेटी आ गया बीच में रे, कहाँ से बो बेटी आ गया? रुक रुक तो देखा आपने, ये पिस्तौल तान देता है ये दरोगा शिव कुमार यादव और ये युवक के साथ बकझक होती है। तो देखा आपने, ये पिस्तौल साफ साफ दिखा रहा है, यहाँ पर पुलिस वाले ने लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की और यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तो देखा आपने, जब दरोगा जो है पिस्तौल जो लोड करके जब फायर करने की कोशिश करता है, दौड़ाता है, धमकाता है, भगाता है, इस तरह से भगदड़ मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। तो इस तरह से इस घटना के बाद जो है बाद में दो युवकों को पकड़ करके ये थानेदार लाता है और दो युवकों की पिटाई करता है, उसमें राजीव कुमार सानी नाम का एक युवक भी है। और यही जब खबर जाती है विधायक के पास कि इस तरह की घटना हुई है, तो विधायक आग बबूला हो जाते हैं और जा करके सरेआम थाने में जो है वो दरोगा की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सरेआम उससे स्टेशन डायरी मांगते हैं, स्टेशन मैनेजर पूछते हैं स्टेशन मैनेजर कौन है, स्टेशन मैनेजर तो वही दरोगा ही है। और उस स्टेशन मैनेजर जब वो डायरी नहीं देता है तो सरेआम युवक से माफ़ी मंगवाई जाती है और इस तरीके से ये मामला शांत होता है। लेकिन सवाल विधायक के रवैये पर भी है और सवाल पुलिस पर भी है कि आखिर पुलिस कब जागेगी और कब असल में मुजरिमों को पकड़ेगी, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही है पूरे बिहार की, न सिर्फ दरभंगा की।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।